हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के T6। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम देखिए, ज्यादा टाइम अभी वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस मिले हैं आपके फर्स्ट शिफ्ट के नंबर सीरीज के, ठीक है, जो कि आज एग्जाम हुआ है SBI PO का। उसमें प्रीलिम्स में जो पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में नंबर सीरीज के क्वेश्चन है वो मिसिंग है, ठीक है, मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन है। तो वो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो देख लीजिएगा। ऐसा हमें किसी स्टूडेंट ने बताया है और उसको मैंने आपको सोचा कि आप तक शेयर किया जाए। तो चलिए देखिए, फटाफट देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बनाया है इन सब क्वेश्चन को और कैसा पैटर्न पूछ रहा है, ठीक है, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो आपके RRB के एग्जाम होने वाले हैं PO क्लर्क के, तो सेम एज पैटर्न पे इसको फॉलो किया जाएगा IBPS के थ्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन को पूरा देखिएगा। शुरू करते हैं मैथ्स में मिसिंग नंबर सीरीज के, जो कि 8 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं, ठीक है। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा और इस बेल के आइकन को, जी हाँ, इस बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और जिन बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं नोटिफिकेशन, वो बच्चे प्लीज चैनल को एक बार खोल के जरूर ओपन करके देख लें ताकि उनको नोटिफिकेशन उस वीडियो का मिल जाए और देख सके वो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। हम पहला नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, ये क्वेश्चन है 5000, 1400, 320। चलो वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसको खुद से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा बनाने का, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है आपसे तो वेल गुड है, आंसर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखो, मैं जो इसमें अप्रोच लगा रहा हूँ, देखो आपको मैंने पहले भी कल भी बताया था, एक नंबर सीरीज का, एक रॉन्ग नंबर सीरीज का एक मैंने वीडियो दिया था, आपको बोला भी था कि मिसिंग वाले पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो यहाँ पे मिसिंग वाले ही पूछा है, यहाँ पे एक मिसिंग है नंबर, वो बताना है आपको फाउंड करके कि है क्या, ठीक है। तो मेरा अप्रोच कहता है क्या कि इसको मैं अगर 5000 को क्या करूं, 5000 को 1/5 से डिवाइड करूं तो मुझे कितना मिलेगा, 1000, ठीक है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑलरेडी है। 1000 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 1/5 से तो कुछ अलग मिलेगा, यानी कि 200 आ रहा है ना, ठीक है, पर यहाँ पे तो 400 है। इट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे 2/5 से गुना करता हूँ तो ये मिलता है मुझे कितना बच्चे, तो ये मिलेगा 400, ठीक है, करेक्ट है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है क्योंकि SBI का PO का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इजी नहीं है। अब मैंने 400 को क्या किया कि देखो यहाँ क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है, ये 1 था, इसका डबल 2 हुआ, तो इसका डबल मैं 4 करता हूँ और 5 से डिवाइड करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा, 1600/5, यानी कि 320, ठीक है, ये हमारा आ गया। तो यहाँ पे भी जो पैटर्न लगेगा मेरा सेम एज इट इज यही लगेगा, तो यहाँ पे 4 का डबल क्या हो जाएगा, 8/5, तो हमारा ये आ जाएगा कितना, तो 5 का 30 और 5 का 20, यानी 64, 8, 112 और 5, 512, ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर बच्चे, ठीक है। अगर कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिएगा क्योंकि कल एक क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था हमसे, थोड़ा सा मिस्टेक था वो, पर कोई दिक्कत नहीं है, वो आप मैंने आपको कमेंट में डाल दिया था, जो पहला ही क्वेश्चन था कल का रॉन्ग नंबर सीरीज का, उसको मैंने कमेंट में डाल दिया है कि कहाँ पे गलती हुई थी, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था तो मुझे अच्छा लगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलती सबसे होती है। चलिए तो देखते हैं, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, देखो 8 से 64 को गुना करोगे, 8 के 32 और 8 के 48 और 3 51, यानी कि 512 जो है यहाँ पे, जो मिसिंग वैल्यू है यहाँ का, वो 512 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर था बच्चे 512, ठीक है। तो देखो पैटर्न टफ नहीं है, बस लॉजिक आपको अप्रोच जो है आपका वो लगाना है, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगर आप लोगों ने किए होंगे तो ये क्वेश्चन बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगा होगा, 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था, 1 सेकंड का भी नहीं था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम, ये देखिए, ये इस क्वेश्चन को भी आप लोग वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा खुद से इसको बनाइएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस वीडियो को देखो कैसे बनाता हूँ, इस क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे हैं आप कि जो इनका जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, इसके डबल से बढ़ता जा रहा है कुछ कुछ, ठीक है, यहाँ पे डबल बढ़ा, यहाँ पे भी डबल है कुछ समथिंग, यहाँ पे भी डबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 4 × 2 डबल किया प्लस 1 किया, ठीक है, तो 9 आया, फिर क्या किया, 9 × 2 18 हो जाएगा, पर यहाँ तो 17 है तो मैंने माइनस किया 1, तो आ गया 17। अब 17 × 2 + 1 किया तो आ गया 35। इट्स मीन्स कि ये जो पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, एक बार अल्टरनेटिव प्लस माइनस का चल रहा है, तो हमारा जो अगला जो होगा 35 × 70 और ये -1 यानी कि 69, ठीक है। तो आंसर आपका जो मिसिंग वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बच्चे, तो 69, ठीक है, समझ गए ये क्वेश्चन को। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था और ये देखो PO के प्रीलिम्स में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप सोच सकते हो कि लेवल कितना भी है, ठीक है।
मेंस के लिए प्रिपेयर रहो, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा इसका जो लेवल है हाई करेगा ही करेगा। तो जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस है कि उसका प्री में हो रहा है तो वो मेंस की तैयारी में लग जाए, क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं है और मेंस में भी क्वेश्चन पूछेंगे मिसिंग नंबर सीरीज के, रॉन्ग नंबर सीरीज के। ठीक है, तो देखो प्रीलिम्स में अगर मिसिंग का पूछ दिया है तो वहां पे जरूर रॉन्ग नंबर सीरीज का पूछ सकता है। तो दोनों पैटर्न देख के चलना है। मैंने आपको बोला है कि हर नंबर सीरीज से क्वेश्चन जो है आप एटलीस्ट 100 करके जाओ। ठीक है, एटलीस्ट 100। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो सारे के सारे मेमोरी बेस्ड है, क्वेश्चन हो सकता है कुछ चेंज होंगे, नंबरिंग वगैरह कुछ चेंज होगा, पर पैटर्न लगभग यही था, पर क्वेश्चन यही सब सारे पूछे हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं अब कैसे बनता है। यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? देखो डिफरेंस ज्यादा नहीं है पर बढ़ता जा रहा है ना, इंक्रीजिंग में है इनका डिफरेंस जो है। तो मैं अगर ऐसे भी क्वेश्चन पैटर्न आते हैं तो मैंने कल भी बताया था आपको या पिछले वीडियो में भी मैंने एक चीज बताता हूँ कि नंबर सीरीज में जब भी डिफरेंस कम से फिर बढ़ता हुआ जाता है तो वहां पे सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो सब्सट्रैक्शन का कोर्स करना चाहिए। तो 22 में से 17 जाएगा, तो देखो यहाँ पे हमें मिला 5, फिर 22 और 29 का वो निकाला, डिफरेंस निकाला मैंने 29 और 22 का, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 17। फिर उसके बाद 76 और 39 का अगर देखे डिफरेंस तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में 9 7 और ये 3 37। ठीक है, देखो कहीं भी कैलकुलेशन गलती होगा तो प्लीज आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, वहां पे बताइएगा हमें कमेंट करके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 65, इसमें डिफरेंस जो आएगा। अब यहाँ पे जो भी आएगा एक्स, उस एक्स का वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, तो अभी भी हमें इस जो पहले फेज में पता नहीं चल रहा है कि हमें वो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी भी कुछ दिख रहा है क्या? कोई स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, ना क्यूब का दिख रहा है, ना ही सब्सट्रैक्शन। तो एक बार फिर से इसको जोड़ घटाव करेंगे, तो इसमें से इसको घटाया मैंने 17 में से 5 को तो आया 12, फिर घटाया मैंने इसको तो आया ये 37 में 17 जाएगा 20, इसको घटाया तो इसमें से क्या आ जाएगा बच्चे, ये आ जाएगा 28। अब कुछ दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है अब। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे आएगा उसमें से 65 को घटाएंगे तो मेरा जो भी आया यहाँ पे, ठीक है, तो देखो 2x की वैल्यू अभी आ गई, पर यहाँ नीचे कुछ हमें दिख रहा है अब यहाँ पे सेकेंड स्टेज में कि इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये 8 है, ये भी 8 है, तो ये भी कहीं ना कहीं इसका डिफरेंस होगा वो 8 होगा। तो इसको 8 को 28 में जोड़ दो तो ये पता चल जाएगा हमें वैल्यू, तो 8 को 28 में जोड़ा तो हमारा आ जाएगा 36। ठीक है, अब 36 में इसको जोड़ देंगे तो हमारा ये x का वैल्यू आ जाएगा, जी हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा 101। ठीक है, तो जब ये हमें पता चल गया कि 101 है तो ये वाला भी वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो 101 में 141 को जोड़ोगे तो आएगा 242। ठीक है, तो आपका आंसर जो था बच्चे वो क्या था, 242 था। समझ में आ गया आपको कैसे निकल गया, ये तीन स्टेप में गया, पर क्वेश्चन को इजी था, क्वेश्चन को इजी किया गया है। पर बहुत बच्चे क्या करेंगे, दो स्टेप निकालेंगे, देखेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो स्क्वायर गुना भाग करना शुरू कर देंगे। नहीं, जहां पे सब्सट्रैक्शन चल रहा है ठीक है, वहां पे सब्सट्रैक्शन लगातार लीजिए कम से कम 3 से 4 स्टेप तक, उसके बाद आपको देखना होगा कि गुना हो रहा है या भागा हो रहा है, वो बात की बात है। ठीक है, पर यहाँ पे जो पैटर्न जैसा फॉलो कर रहा ऊपर नीचे भी फॉलो करते हैं, ये एक बार कम से कम एटलीस्ट 4 स्टेप तक तो जाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, मान लो अगर 4 स्टेप करने में उसके लिए कैलकुलेशन आपका, स्पीड आपका बहुत तेज होना चाहिए, तब तो जाके इस क्वेश्चन को आप 1 मिनट ये में कर पाओगे। अब आपका 1 मिनट में तो बहुत रेल निकल जाएगा, तो आपको जरूरी है 5 मिनट में 5 क्वेश्चन ये करने हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे ये आज। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चे, ये क्या कर रहा है, ये पैटर्न कैसे, देखो मैं टाइम ज्यादा आपका नहीं लूंगा, बहुत ही जल्दी मैं इसको बता के खत्म करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे भी डबल होता जा रहा है, डबल हो रहा है ना, पर कुछ ज्यादा ही डबल हो जाएगा। यहाँ 15 के बाद सीधे 59 है, 117 है, फिर डाउन गया है 116। तो अब क्या देखेंगे हम कि ये घट रहा है यहाँ के बाद। ठीक है, 117 तक हाईएस्ट गया है तो फिर उसके बाद डिक्रीजिंग जाएगा, तो हम क्या ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन का सहारा लेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, एक बार घटेगा फिर देखेगा कि बढ़ेगा और फिर घटेगा, तो वहां पे थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन का सहारा जरूर लीजिएगा। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि 2 को 8 से गुना किया और -1 किया तो आ गया मेरा 2 8 16, 1 में से गया 15। ठीक है, ये आ जाएगा 15, तो जो कि हमारा यहाँ पे ये आ गया। ओके, 15 को क्या किया मैंने, 15 को फिर 4 से गुना किया और माइनस किया 1 तो आ गया मेरा 59। जी हाँ, 15 जो कि 60 में से गया तो 59 आ गया।
अब देखो 59 जो किया मैंने, फिर क्या किया इसका 2 से, क्योंकि ये जब इसका जो डिक्रीजिंग है ना वो उसका डबल डिक्रीजिंग है, 8 था 4 था अब 2 है, ठीक है। तो 59 दूना 7 दूना 120, तो 59 दूना 118 और माइनस 1 इज इक्वल टू 117। अब 117 में जो क्या करेंगे कि 2 का आधा क्या होगा, 1 होगा और माइनस 1 करेंगे जरूर, तो जो कि आ जाएगा हमारा 116, ये आ गया। अब जो हमारा आंसर आएगा वो 116 गुना क्या करेंगे, 0.5 से करेंगे, 1 का हाफ 0.5 होता है, और माइनस 1 करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा बच्चे, इसको कर लो आप 116, इसको 1/2 भी कर सकते हो, तो ये 2 5 10, 2 8 16, 58 माइनस 1 57, ठीक है, ये 58 आएगा और माइनस 1 है ये, तो ये हो जाएगा 57। तो हमारा जो x का वैल्यू आएगा यहाँ पे बच्चे वो आएगा 57। समझ में आ गया होगा आई थिंक, मुझे लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझना और अप्रोच जो है अपना खुद का लगाना है क्वेश्चन में। आप ज्यादा से ज्यादा अप्रोच कब लगा पाओगे, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किए होगे। आपका मैथ्स में एटलीस्ट जो कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन का है और सेक्शन एडिशन का है, तो ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग पार्ट होना चाहिए। और मैंने एक चीज और भी कल बोला था आपको कि जिन बच्चों को 1 से लेकर 30 तक के टेबल याद नहीं है वो भूल जाएं कि उनसे कैलकुलेशन होगा सिंप्लीफिकेशन का, और जो बच्चे को 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर नहीं याद है और 1 से लेकर 25 तक के क्यूब नहीं याद है, सॉरी 25 नहीं 10 ही मानो यार, ठीक है, बाकी तो क्यूब निकालना हमने बता ही दिया है, ठीक है। तो ये क्यूब निकालना स्क्वायर निकालना अगर नहीं आता ये तीन चीज, उनका कैलकुलेशन बहुत वीक होगा, और मल्टीप्लीकेशन जिनका स्ट्रांग नहीं है उनका बहुत ही वीक होगा। अगर ये सब स्ट्रांग करना है तो आप लोग हमारे चैनल पर पड़े हुए वीडियोस को, पीछे की प्रीवियस वीडियो को उठाकर जरूर देखें, आपको वहां से बहुत सारे ट्रिक्स मिलेंगे जो कि आपके कैलकुलेशन में आपके बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला हमारा सवाल देख लेते हैं जो कि है आज का ये आखिरी सवाल है। जी हाँ, तो यहाँ पे देखा मैंने जो अप्रोच लगाने की बात की, तो देखो पॉइंट्स में जब भी आएगा, मैंने आपको एक वीडियो में बताया है कि जब भी पॉइंट्स के नंबर सीरीज हो वहां पे आप क्या करो कि मल्टीप्लिकेशन का ही सहारा लो, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब 5 को क्या किया मैंने यहाँ पे 1/2 से इंटू किया और इसमें 1 जोड़ा, तो मेरा आ गया 3.5 आएगा। देखो 5 का आधा 2.5 और प्लस 1 तो 3.5 आ गया। चलो एक हमारा हो गया सही, ये जा रहा अभी तक। अगला देखते हैं, 3.5 को क्या किया मैंने, हाफ किया और 1 जोड़ा इसमें, सेम प्रोसेस करेंगे। तो देखो 3.5 को हाफ करो तो कितना आ जाएगा आपका, तो 2 कम 2 और 2 7 14 और 2 5 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.75, ठीक है, ये पॉइंट इधर आएगा तो 1.75 आएगा। इसमें से क्या करना, 1 जोड़ना है अपने को, तो ये आ जाएगा 2.75, ठीक है, तो ये भी मिल गया हमें। चलो तीसरा क्या करना है, 2.75 में हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और एडिशन क्या करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 2.375। जी हाँ, सेम प्रोसेस यही करेंगे अब, क्योंकि तो हमें मिल गया है अब आंसर आपका, ठीक है, इंटू 1/2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे, तो ये कर लो आप कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, 2.375 में डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 1.1875, ऐसा कुछ आएगा कटने के बाद, ठीक है। और इसमें क्या करना है, 1 ऐड भी करना है ये वाला, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका आंसर, ऐड करो 2.1875। जी हाँ, दिस इज योर आंसर, यहाँ पे आएगा क्या 2.1875, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया यहाँ पे x का वैल्यू, तो समझ गए, बस यही था, कुछ नहीं था, इतना ही इजी क्वेश्चन था। ये देखो ये एक पांचवा क्वेश्चन और एक तीसरा क्वेश्चन जो कि मल्टीप्लिकेशन वाले थे, ये थोड़ा सा लेवल इनका कह सकते हैं कि मतलब मॉडरेट था, पर टफ नहीं था, टफ नहीं कह सकते, क्योंकि कैलकुलेशन जिनका नहीं अच्छा है वो तो नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी कैलकुलेशन, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जो आंसर आएगा बच्चे 2.1875 आई थिंक यही आंसर होगा। कैलकुलेशन देख लेना, कहीं भी मिस्टेक हो तो आप बताना जरूर, कमेंट जरूर करना। तो ये था आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आज 8 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। जैसे और भी क्वेश्चन आएंगे, पजल के भी क्वेश्चन आएंगे, तो हम आपको कल शेयर जरूर करेंगे, या फिर शाम तक अगर हमारे पास क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाते हैं तो जरूर आपको हम वैसे वो सारे क्वेश्चन
जरूर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप भी शेयर कीजिए अपने दोस्तों में इस वीडियो को, और उनको बताइए कि हमारे साथ जुड़े, और आपके आने वाले एग्जाम जो कि आरआरबी है, आरआरबी पीओ है और क्लर्क है, उनका एग्जाम का तैयारी चला रहा है हम लोग अपने चैनल पे, जो कि आपको रीजनिंग की क्लासेस दी जाती हैं 11:45 में, ठीक है। पढ़ना होगा तो आप लोग उस समय जरूर चैनल ओपन करके देख लीजिएगा, ठीक है, 11:45 AM में सुबह में। उसके बाद उससे रिलेटेड जो कि मैथ्स की क्लासेस है वो इवनिंग में दी जाती है आपको 9 बजे के बाद, ठीक है। और उसके बाद आपको करेंट अफेयर की क्लासेस भी दी जाती हैं, जो क्यूज हैं टॉप 10 जो करेंट अफेयर पर डे का होता है, वो आपको करेंट अफेयर का भी दिया जाता है वीडियो, तो उसको भी देखिए। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपको हर टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।